अगर आप भी डायमंड की डुप्लीकेट कॉपी के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोरेक्स। मॉइज़नाइट। अगर आपने भी ये नाम सुना है तो आप जानते ही होंगे कि मॉइज़नाइट डायमंड के जैसे दिखने वाला एक जेमस्टोन है जो सबसे पहले एक तारे के जरिए हमारी पृथ्वी पर आया था। कुछ लोग मॉइज़नाइट को ही डायमंड समझ लेते हैं, पर डायमंड और मॉइज़नाइट तो डिफरेंट जेमस्टोन्स हैं। मॉइज़नाइट ग्रीन, येलो या कलरलेस ही होता है, जबकि डायमंड्स टिपिकली काफी कलर्स में पाया जाता है, जैसे कि येलो, ब्राउन, ग्रे, कलरलेस, पिंक एक्सेट्रा। दोनों का फॉर्मूला भी अलग है। डायमंड कार्बन से बना होता है और मॉइज़नाइट सिलिकॉन कार्बाइड से। 1893 में मीटियोर क्रेटर रॉक सैंपल्स की जांच करते समय हेनरी मॉइज़न द्वारा मॉइज़नाइट की खोज की गई थी। सबसे पहले उन्होंने गलती से इस जेमस्टोन को डायमंड समझ लिया था, लेकिन 1904 में उन्हें पता चला कि ये क्रिस्टल सिलिकॉन कार्बाइड से बने हैं। मॉइज़नाइट का नाम उसको डिस्कवर करने वाले फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी मॉइज़न के नाम पर ही रखा गया है। 1950 तक मीटेराइट्स के अलावा मॉइज़नाइट का कोई और सोर्स नहीं मिला था, लेकिन 1958 में व्योमिंग की ग्रीन रिवर फॉर्मेशन में ये पाया गया। मॉइज़नाइट अपने नेचुरल फॉर्म में बहुत रेयरली पाया जाता है, यह केवल कुछ रॉक्स में और मीटेराइट्स में ही पाया गया है। इसीलिए आज जो मॉइज़नाइट मिलता है वो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, क्योंकि ये लेबोरेटरी में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया जाता है, इसीलिए माइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती और उसका खर्चा भी बच जाता है। देखने में ये डायमंड के जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये डायमंड से काफी अलग है। दोनों जेम्स की ड्यूरेबिलिटी, चमक और रंग में भी डिफरेंस है। मो स्केल पर इसकी हार्डनेस 9.25 पाई गई है, जबकि डायमंड का हार्डनेस स्कोर 10 है, जो कि मॉइज़नाइट से थोड़ा सा ज्यादा है। मॉइज़नाइट डायमंड से ज्यादा कलरफुल फ्लैशेस देता है, इसी वजह से मॉइज़नाइट डायमंड से ज्यादा शानदार लगता है। इसकी हार्डनेस की वजह से सिंथेटिक मॉइज़नाइट को बड़ी मात्रा में हाई प्रेशर एक्सपेरिमेंट्स में डायमंड की जगह यूज किया जाता है। डायमंड की तरह ये भी ज्वेलरी में यूज किया जाता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।